गुजरात में 30 साल से वनवास झेल रही कांग्रेस ने गुजरात के लिए नया प्लान बनाया है। वैसे तो गुजरात में विधानसभा चुनाव के लिए अभी 3 साल से भी ज्यादा का वक्त बचा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के इस मजबूत किले को ध्वस्त करने के लिए कांग्रेस ने मिशन गुजरात पर काम करना शुरू कर दिया है। कांग्रेस सबसे पहले उन जिलों पर फोकस कर रही है जहाँ पर सीटों के मामले में उसकी स्थिति शून्य है। इसी रणनीति के तहत पार्टी ने गुजरात के 6 जिलों से न्याय यात्रा निकालने का फैसला किया है। ये यात्रा उन जिलों से निकाली जाएगी जहां हाल के दिनों में प्रशासनिक विफलता की वजह से हादसे हुए और सैकड़ों लोग मारे गए। कांग्रेस की इस न्याय यात्रा में राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और प्रियंका गांधी भी शामिल करने का प्लान है। भारत छोड़ो की बरसी पर शुरू हो रही यह यात्रा करीब 300 किलोमीटर की होगी। यात्रा मोरबी से शुरू होकर गांधीनगर तक जाएगी। कांग्रेस के मुताबिक मोरबी के बाद यात्रा टंकारा, राजकोट, चोटीला, सुरेंद्र नगर, विरमगाम, सानंद और अहमदाबाद होते हुए गांधीनगर जाएगी। कांग्रेस के न्याय यात्रा के स्वागत से ढोल नगाड़ों को दूर रखने का फैसला किया है। पार्टी के मुताबिक जब भी यात्रा किसी दूसरे शहर में प्रवेश करेगी तब कांग्रेस ढोल नगाड़े बजाने की बजाय सूद बांटकर एक दूसरे को स्वागत करेंगे। पार्टी ने यात्रा का चेहरा पीड़ित परिवार को ही रखा है। सोशल मीडिया पर गुजरात कांग्रेस की तरफ से जारी पोस्टर में स्थानीय स्तर के किसी नेता को जगह नहीं दी गई। कांग्रेस ये यात्रा पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए निकाल रही है, लेकिन पार्टियों के हर एक्शन के सियासी मायने जरूर होते हैं। गुजरात में 2027 में विधानसभा के चुनाव होने हैं जहाँ पिछले 3 साल से कांग्रेस सत्ता से बाहर है। राहुल गांधी ने हाल ही में संसद में गुजरात में बीजेपी को हराने की बात कही थी। ऐसे में कांग्रेस की न्याय यात्रा जिन जिलों से निकल रही है उसका राजनीतिक समीकरण जान लेते हैं। कांग्रेस की न्याय यात्रा जिन 6 जिलों से निकलेगी वहाँ विधानसभा की 52 सीटें हैं। सबसे ज्यादा अहमदाबाद में विधानसभा की 21 सीटें हैं। इसके बाद वडोदरा में 10, राजकोट में 8, गांधीनगर में 5, सुरेंद्र नगर में 5 और मोरबी में 3 सीटें हैं। राज्य में विधानसभा की कुल 182 सीटें हैं। अगर प्रतिशत के हिसाब से देखा जाए तो ये 52 सीटें कुल सीटों का करीब 30% है। गुजरात में सरकार बनाने के लिए कम से कम 92 सीटों की जरूरत है। साल 2022 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को इन 52 में से सिर्फ 2 सीटों पर जीत मिली थी, वो भी अहमदाबाद जिले के सुरेंद्र नगर, मोरबी, राजकोट और गांधीनगर के। कांग्रेस बुरी तरह हार गई। बीजेपी को इन 52 में से 49 सीटों पर जीत मिली थी, हालांकि 2017 में से परिणाम नहीं थे। 2017 में कांग्रेस को इन जिलों की 52 में से 18 सीटों पर जीत मिले थे। कांग्रेस को सुरेंद्र नगर, गांधीनगर और मोरबी में बढ़त मिली थी। पार्टी ने राजकोट में भी बढ़िया प्रदर्शन किया था। अब ऐसे में ये देखना है कि आने वाले समय में कांग्रेस न्याय यात्रा के माध्यम से कितना बढ़िया कर पाती है। क्या इस न्याय यात्रा के माध्यम से कांग्रेस गुजरात की सत्ता में वापसी कर पाएगी या इस बार भी पिछले बार की तरह उसके हाथ में निराशा लगेगी।